नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अब क्या होता है, नीतीश कुमार कार में बैठे होते हैं और लालू प्रसाद यादव अपने मुख्यमंत्री आवास में बेचैन हो रहे होते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, लालू प्रसाद यादव इसको लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। लालू यादव परेशान है, क्योंकि लालू यादव को पता है कि नीतीश कुमार वो इंसान है जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, जो आगे अगर इस रैली का हिस्सा बन गया तो वो एक अपनी पहचान बना लेगा और फिर वो एक ऐसा नेता बनेगा। ये लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोई मामूली नेता नहीं है, उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि अगर इस रैली में नीतीश कुमार हिस्सा ले लेते हैं तो कुर्मियों के वो साफ तौर पर एक नेता बन जाएंगे। और 12 फरवरी 1994 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दोस्त ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की कार से उतरते हैं और गांधी मैदान के अंदर से स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और कदम जैसे ही नीतीश कुमार के स्टेज पर पड़ती है, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, क्योंकि तब तक लोगों ने यह मान लिया कि अब हमारा नेता नीतीश कुमार है। और जैसे ही नीतीश कुमार माइक के पास आते हैं, तभी लोग और जोर से नीतीश कुमार का नारा लगाते हैं। और जैसे नारा लगता है तो फिर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिर उनके दिल में लालू प्रसाद यादव को लेकर यह संशय आता है कि लालू प्रसाद यादव क्या सोचे। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को एक तरह से डिफेंस करते हुए भाषण देते हैं, मगर जैसे ही वो लालू यादव को डिफेंस यानी लालू यादव के खिलाफ न जाकर लालू प्रसाद को डिफेंड करते हुए भाषण देते हैं, तभी उसी भीड़ से जूते और चप्पल स्टेज पर फेंके जाने लगते हैं। तभी नीतीश कुमार को इशारा विजय कृष्ण का एक तरह से होता है कि अब वो वक्त नहीं है, अब वक्त आ गया कि आप जो बोलना है साफ बोलो, या तो इधर या उधर। तब नीतीश कुमार की एक आवाज गूंजती है, क्योंकि वक्त अब ढल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ढलते वक्त को ऐसा ही एक देखा जाए तो डूबते सूरज को फिर उगता हुआ सूरज दिखने लगा। और लोगों को अपने उस नेता से जो उम्मीद खोने के बाद लोगों ने जूते चप्पल चला दिए थे स्टेज पर, अब फिर उम्मीद दिखती है, क्योंकि नीतीश कुमार की आवाज गूंजना शुरू करती है। और तब नीतीश कुमार गरजते हुए कहते हैं कि भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। और फिर इस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी आवाज जैसे ही लगाई, फिर नीतीश कुमार के नारे गूंजने लगे, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और उसी स्टेज से नीतीश कुमार दहाड़ते हुए कहते हैं कि जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करेगी वो सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। और इस आवाज के साथ नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके खिलाफ पहली बार ऐलान जंग कर दिया था। और 12 फरवरी 1994 को वो पहला दिन था जब नीतीश कुमार खुलकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनके बराबरी से खड़े होने के लिए तैयार थे। और इस तरह वो नींव पड़ी, जिस नींव पर इमारत फिर बढ़ने लगी। और 8 महीने के बाद, इस रैली के 8 महीने के बाद, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने और जॉर्ज फर्नांडिस ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था समता पार्टी। और इस तरह नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी का गठन कर लिया। और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो लालू प्रसाद यादव के सामने अब खड़े होने के लिए तैयार थे। 1995 में फिर विधानसभा चुनाव का वक्त आया, समता पार्टी भी चुनाव लड़ी। हाँ, ये जरूर है कि तब नीतीश कुमार की समता पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी को कोई कामयाबी ज्यादा नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव फिर मुख्यमंत्री बन गए, मगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री जरूर बने, मगर तब तक वो एक, कहा जाए तो जिस तरह से सूर्य पे ग्रहण लगता है वैसे ही लालू प्रसाद यादव के काल में एक ग्रहण के रूप में आया, और वो था
चारा घोटाला मामला। चारा घोटाला मामले ने लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ा दी और फिर लालू प्रसाद यादव आगे चलकर जब गिरफ्तार होने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव की कहीं ना कहीं बिहार में जमीन कमजोर पड़ती चली गई और नीतीश कुमार ने अपने कदम बढ़ाने तेज कर दिए और साल 2000 एक ऐसा वक्त आया जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में शपथ ले ली। हाँ, यह जरूर था कि वो वक्त सिर्फ 7 दिन का था और 7 दिन के बाद नीतीश कुमार के हाथ से फिर वो सरकार चली गई क्योंकि वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पा रहे थे और इससे पहले कि वो बहुमत साबित करते उन्हें अंदाजा लग गया था कि मैं अब बहुमत साबित नहीं कर पाऊंगा तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वापस राबड़ी देवी की सरकार बन गई। मगर 94 के बाद 6 साल के अंदर पहली बार नीतीश कुमार 94 में लालू प्रसाद यादव के सामने कहा जाए तो उठकर खड़े हुए थे। अब वो लालू प्रसाद यादव के बराबरी में एक बार बैठ गए थे, भले ही 7 दिन के लिए ही सही मगर मुख्यमंत्री तो बन गए थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और देखा जाए तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब 2005 में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की सरकार को पटकनी देने के बाद नीतीश कुमार बिहार के दूसरी बार मगर पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन गए। फिर आगे क्या हुआ और इस बीच में भी बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बात हम आपको बताएंगे मगर थोड़ा आप इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का, क्योंकि हम जब भी अपने अगले एपिसोड में इसकी बात करेंगे तो इस तरह की रोचक कहानी हम आपको सुनाएंगे। मगर आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, साथ ही अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल कर दीजिए। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।